पापियों को उद्धार देने के लिए यीशु मसीह जगत में आए हैं। यदि आप प्रभु में हैं, यदि आप मसीह को जान चुके हैं, यदि आपने अपना जीवन यीशु मसीह को दे दिया है, या फिर हो सकता आपने बैप्टिज्म ले लिया है और फिर भी आप गंदा जीवन जी रहे हैं, हो सकता है आपने पवित्र आत्मा पाया है, आप अन्य भाषा बोलते हैं, परंतु फिर भी आप गुप्त में सिन करते हैं, फिर भी आप पाप का जीवन जीते हैं। हो सकता है आप लोगों को कहते हो मैं तो जन्म से मसीह हूं, हो सकता है आप लोगों से कहते हैं ये क्या संदेश दे रहे हैं, इन्हें क्या मालूम, हम तो बिरादरियों से चले आ रहे हैं। याद रखिए, बाइबल कहती है यीशु मसीह अपने जन्म के स्थान पर गए, जिस जगह का नाम था नासरत, और प्रभु यीशु ने जन्म से मसीही लोगों के विषय में क्या कहा, तुमने मेरे पिता के काम को रोक दिया, तुम्हारे अंदर का विश्वास देखकर मुझे दुख होता है, तुम में ऐसा विश्वास नहीं जिससे मेरे पिता का काम बढ़े। मैंने एक मसीह व्यक्ति से कहा आप सिगरेट पी रहे हैं, इसको छोड़ दीजिए, प्रभु छुड़वाएगा तो छोड़ देंगे। मैंने उनसे एक बात कही, इन्हीं हरकतों के कारण यीशु मसीह मेरे जैसे को अन्य जाति से चुनता है। यदि आप मसीह समाज में पैदा हुए हैं और आप बिल्कुल सही तरीके की चाल चलें, तो हम जैसों को, हम वो लोग हैं जो पत्थर थे। बाइबल कहती है यदि ये चुप हो गए तो पत्थर चीला उठेंगे। मैं अन्य जाति से आया हूं, मुझे अन्य जाति से आने की जरूरत नहीं थी, यदि मसीह समाज के लोग मसीह का प्रचार मेरी तरह करते। आज का संदेश सबके लिए है। यदि आप जन्म से मसीह हैं तो आपको मुझसे ज्यादा आत्मिक होना है, क्योंकि यीशु मसीह ने आपको मसीह समाज में इसलिए जन्म दिया कि आप मसीह का काम ज्यादा कर सके। परंतु यदि आप पाप कर रहे हैं मसीही परिवार में जन्म लेने के बाद भी, यदि आपका जीवन पाप से संबंधित है, यदि आप छिप कर पाप करते हैं, दूसरों को आप अपने आप को आत्मिकता शो करते हैं, आप दूसरों के जीवन में ये प्रकट करते मुझसे ज्यादा आत्मिक व्यक्ति कोई नहीं है, तो आप धोखे में हैं, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है वो पापियों के लिए आया है। यदि आज रात ही आप कहें प्रभु मैं पापी हूं, भले आप मसीह समाज में पैदा हुए और भले आप मेरी तरह हैं, मसीह समाज में कभी पैदा नहीं हुए, लेकिन यदि आप अपने पाप मान लेते हैं, तो मैं कहता हूं आपके जीवन में पहला तिमुथियुस पहला अध्याय उसकी 15 आयत पूरी हो जाएगी कि वो पापियों को बचाने के लिए इस दुनिया में आया है। पौलुस जी ने कहा इसी आयत में, मैं सबसे बड़ा पापी हूं, क्योंकि मैंने सबसे लेट यीशु मसीह पर विश्वास किया, उन्होंने एक्सेप्ट किया। हम्बलता देखिए, पौलुस जी की नम्रता देखिए, उन्होंने इस बात को मान लिया कि मैं पापी हूं, और जो मान लेता है वो क्षमा किया जाता है, जो मान लेता है वो नरम व्यक्ति गिना जाता है, जो मान लेता है वो अपने लिए दरवाजे खोल देता है, जो मान लेता है उसके लिए जो दरवाजे खुल गए हैं उन्हें कोई बंद नहीं कर सकता। प्रेज द लॉर्ड। पॉल जी सब पापियों के लिए एक उदाहरण है। उन्होंने इस बात को मान लिया, एक्सेप्ट किया कि आई एम अ सीनर,
और मान लेना और उसके बाद उसको छोड़ देना वो धर्मी कहलाता है। यही भली बात है। प्रेज द लॉर्ड। वह संतों को एकजुट करने आया। जितने भी संत जहां कहीं पर भी हैं, जितने भी परमेश्वर के दास, परमेश्वर की दासियां जहां कहीं पर भी हैं, उन्हें वो एक करने आया है। प्रेज द लॉर्ड। आप प्रभु के बेटे और बेटियां हैं। हो सकता है आपकी आंखों में किसी के प्रति कमियां दिखाई दे रही हो, हो सकता है आप कहें इसमें ये कमी है, उसमें वो कमी है। मैं आज आपको बोल देना चाहता हूं, यीशु मसीह का उद्देश्य था कि वो कमियों को हटाकर खूबियों को उजागर करे। यदि यीशु मसीह इस दुनिया में आकर आप में कमियां देखते तो शायद मेरे ख्याल से ये पूरा भवन खाली होता, मैं भी यहां प्रचार ना कर रहा होता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की आंखों का नजरिया कमियां देखना नहीं है, एक खूबी देखना है। और प्रभु यीशु ने आपका चुनाव, आपको यहां लाकर बिठाया है एक खूबी को देखकर। और यीशु मसीह ले आए और प्रभु यीशु ने कहा तेरी एक खूबी को मैं अनेकों खूबियों में बदल दूंगा। यदि आप ये बात मानते हैं कि मैंने अपना जीवन यीशु मसीह को दिया है, मैं पापी था, पश्चाताप किया है, तो आपका नजरिया भी बदलना चाहिए। यदि आज भी आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं परंतु आपका नजरिया नहीं बदला और आप अपने मसीह भाई का विरोध करते हैं, या आप किसी पास्टर के विरोध में खड़े होते हैं, या आप किसी पास्टर समझते हैं जिसके अंदर पांचों प्रकार की सेवकाई हो। पास्टर का मतलब आपको समझना है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो बाइबल से बाहर हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो बाइबल के अंदर हैं। अब आप कहेंगे कि कैसे पता लगेगा कौन बाइबल के अंदर कौन बाइबल से बाहर? हां, बाइबल के अंदर आ जाइए, आपको सब कुछ पता लग जाएगा। आप बाइबल से बाहर रहेंगे तो आपको कुछ भी पता नहीं लगेगा। हाँ, बाइबल के अंदर रहे। आमेन। लोग आपको बाइबल से पहचानेंगे। आप लोगों को तुरंत पहचान पाएंगे जब बाइबल को आप पढ़ते होंगे। आप क्यों पहचाने? पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसकी पहली आयत में परमेश्वर का वचन कहता, हर आत्मा की प्रतीति ना करना। प्रतीति का मतलब हर आत्मा का विश्वास ना करना, परंतु पहले परखो कि वो खुदा की ओर से है। ऊंचा बोलो, वो पहले परखो वो खुदा की ओर से है या नहीं। मैंने अपने घराने में, अपने परिवार में जितने भी लोगों को प्रभु में सेव किया, प्रभु में बचाया, उन सब से कहा मेरा काम था तुम्हें यीशु तक पहुंचाना, अब तुम्हारा काम है बाइबल के अंदर चले जाना। बाइबल में चले जाओ। आप बाइबल में चले जाएंगे तो आप बाइबल को समझेंगे और आसानी से आप झूठों को और सच्चों को पहचान पाएंगे। जब तक हम बाइबल नहीं पढ़ेंगे हम समझ नहीं पाएंगे यीशु मसीह का क्या मकसद था। जब तक हम बाइबल नहीं पढ़ेंगे हम नहीं समझ पाएंगे कि कौन झूठा और कौन सच्चा है। आप बाइबल में यीशु मसीह को देखिए। जब यीशु मसीह ने 40 दिन का उपवास किया और यीशु मसीह 40 दिन के बाद वो चल रहे थे तो शैतान यीशु मसीह के पास आया और परीक्षा करने के लिए आया। मत्ती 4 अध्याय में लिखा, वो परीक्षा करने के लिए आया और जैसे परीक्षा करने के लिए आया तो उसने बोला तो पत्थरों से कह कि रोटियां बन जाएं। और यीशु मसीह ने क्या कहा? मनुष्य केवल
रोटी ही से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकलने वाले वचन से जीवित रहेगा। फिर शैतान यीशु मसीह को ऊंचाई पर लेकर गया, सारी दुनिया दिखाई और कहता है तू मुझे दंडवत कर दे, ये सब मैं तुझे दे दूंगा। और यीशु मसीह ने क्या कहा, बाइबल में लिखा है तू अपने परमेश्वर को छोड़ किसी और को दंडवत ना करना। फिर शैतान ने कहा तू अपने आप को गिरा दे, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर अपने दूतों को स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। लेकिन यीशु ने कहा लिखा है कि तू अपने परमेश्वर की परीक्षा ना लेना। शैतान ने बोला लिखा है, यीशु ने बोला लिखा है, शैतान ने बोला लिखा है, यीशु ने बोला लिखा है, शैतान ने वचन से अटैक किया, यीशु मसीह ने वचन से अटैक किया। जो कलीसिया वचन से शैतान का सामना करती है वो तेजस्वी कलीसिया कहलाएगी। अधोलोक के फाटक उस कलीसिया पर प्रबल ना होंगे परंतु उस कलीसिया में वचन होना चाहिए। हमारे चर्च में ऐसे लोग हैं जिन्हें 400 500 700 आयतें याद हैं, ना केवल आयतें याद करना, केवल आयतों का रट्टा मारना मसीहत नहीं है, उन्हीं आयतों के मुताबिक चलना मसीहत है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे कहने का मतलब क्या है, मेरे कहने का मतलब यह है आप भी वही कलीसिया हैं जिसके लिए यीशु मसीह ने लहू बहाया। आज शैतान आपके पास भी आता है, आज शैतान किसी बॉडी के जरिए आपके पास आएगा, आज शैतान किसी आदमी के जरिए टाई पैंट कोट पहनकर आपके सामने आएगा और आपको गुमराह करने की कोशिश करेगा। लेकिन यदि बाइबल आपके अंदर है, यदि बाइबल आप में दिखती है, यदि ये पवित्र बाइबल शब्द आपके हृदय पर, आपके देह पर, आपके प्राण पर, आपके माथे पर, आपकी आंखों में, आपके कानों में, आपके हाथों में, आपके रक्तचाप में, आपकी अंतड़ियों में है, तो कोई भी आपका बेवकूफ नहीं बना सकता।